26 जनवरी 1950, ओके उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया था ऑन 26 नवंबर, इसलिए दो दिन बाद संविधान दिन मनाया जाता है। और इस संविधान में हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हुए हैं। एक्चुअली द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी ही नहीं गई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम थोड़े धर्मनिष्ठ राष्ट्र हैं। धर्मनिष्ठ राष्ट्र में आप ये देखेंगे कि हर धर्म में उनके कर्तव्य, व्यक्ति के कर्तव्यों के ऊपर फोकस है। हर इन्हें आप देखें, रामायण पढ़ेंगे, यदि महाभारत पढ़ेंगे या और दूसरे पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथ, तो उनमें कर्तव्य के ऊपर फोकस है। हर व्यक्ति को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसका राष्ट्र के प्रति उसके क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब के बारे में बताया गया है। इसलिए जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो ऐसा लगा ही नहीं कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ लिखना चाहिए। लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया इन 1974। तुम्हें पता है कि नेशनल इमरजेंसी लगी थी। हमने यहाँ से, यहाँ जितने भी लोग हैं, हम में से किसी ने भी आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी है। हमने तो आज़ाद भारत में ही सांस लिया है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, इंडिया में 3 बार लगी है और वो जो लगी थी वो सबसे लंबी थी, 2 साल की नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तो उस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारा अमेंड किया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज उसी समय इंसर्ट की गई एक चैप्टर। एक्चुअली भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट है, इसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर द ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो चैप्टर 4A इंसर्ट किया गया इन 1974 एंड आर्टिकल 51A वाज इंसर्टेड एट दैट टाइम। यानी वो जो चैप्टर 4A है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो इंसर्ट किया गया, डाला गया बाद में, और पूरा एक ही आर्टिकल पे, 51A इस आर्टिकल पे ही वो पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है। तुम लोगों ने कल के 2 मंथन के विषय सुने, कौन कौन से थे कल की 2 बातें? एक पर्यावरण से संबंधित थी, यस, और दूसरी सेक्युलरिज्म थी। ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया हुआ है। ओके, 11th ड्यूटी वाज इंसर्टेड इन 2002, 86th अमेंडमेंट हुआ था और उसमें 11th ड्यूटी इंसर्ट की गई थी। तो जो शुरू की 10 ड्यूटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? किसी को पता है? तुमने सिविक्स में पढ़ी होगी फंडामेंटल ड्यूटीज, स्कूल में सिविक्स के सब्जेक्ट में पढ़ी है, बट वो हम लोग एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ रट लेते हैं। एंड यू बिलीव मी, वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग द स्मॉल थिंग्स, रियली द विजन 2020 वोंट बी इम्पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि तुम लोगों से अब तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं, तुम लोगों से काफी उम्मीदें हैं। हम लोगों से तो अब कोई उम्मीद नहीं है जनता को, लेकिन तुम लोगों से, आने वाली पीढ़ियों से उम्मीदें हैं। द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज रिलेटेड टू इट इज टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू लव एंड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। नेशनल एंथम सुनते हैं तो खड़े हो जाते हैं सावधान में या नहीं खड़े होते? और यदि नहीं होते हो तो आज से ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि हमारी तरफ से हमारे राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का कोई अवहेलना, अपमान ना हो। ये फर्स्ट तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये ड्यूटीज इतनी सिंपल है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में इनको फॉलो कर सकते हो। Second duty is to cherish and follow the noble ideal which inspired the national struggle for freedom. हमको
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं, हमने किसी ने भी आजादी की जंग नहीं देखी है। उन लोगों ने कितने साल स्ट्रगल किया, तो कुछ जो उनके आइडियल्स थे उसको चेरिश करना है, उसको फॉलो करना है। ये नेशनल ड्यूटी, तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी क्यों है। इस देश को जब तुम्हारी जरूरत पड़े तब इस देश की रक्षा करना, इस देश के लिए को इन्हें डिफेंड करना और इसको प्रोटेक्ट करना, ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी। हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है, पता है ना, बहुत सारे रिच मॉन्यूमेंट्स हम देखते हैं जो कितने सालों से है, और अब उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए कमिटीज बनाई जाती हैं और उस पर काम किया जाता है। हम क्या करते हैं, वहाँ पे देखने जाते हैं तो वहाँ पे पत्थर से अपना नाम लिख के आते ना, मैं आया था देखने, सबूत छोड़ते हैं या नहीं, तो वो सबूत छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भी हमारी चीजें हैं इनको प्रोटेक्शन करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। देन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, कल धोती सर बता रहे थे, कल का जो पहला विषय मंथन का था वो एनवायरमेंट से रिलेटेड ही था। एमसी शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक बहुत फेमस केस लॉ है, उसकी वजह से अभी जब तुम सेकेंड ईयर में आओगे तो एनवायरमेंटल स्टडीज का एक सब्जेक्ट तुम लोगों को ऐड किया गया है तुम लोगों के करिकुलम में। वो क्यों ऐड किया गया है, तो वो इसी वजह से ऐड किया गया है। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हफ्ते में एक दिन कम से कम एक घंटा पर्यावरण के, मतलब एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए उसकी पढ़ाई की जाए। तो ये एमसी शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक रिनाउंड केस है, तुम कभी भी उसको सर्च करोगे तो यू विल कम टू नो द आउटकम ऑफ दैट केस। देन द नेक्स्ट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड हार्मनी, ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड। हमारा SIP पोस्टपोन क्यों हुआ, यू ऑल नो व्हाई इट हैड बीन पोस्टपोन। ये 15 तारीख को शेड्यूल था, हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ा। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, कहीं तो शायद वो ब्रदरहुड की फीलिंग की कमी आ रही है, हम नेशनल इंटीग्रिटी को नहीं समझ रहे हैं, हम यूनिटी को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ये सब जो हुआ पिछले हफ्ते जो हमने देखा और कुछ लोगों को जो बहुत नुकसान हुआ, उसके पीछे का रीजन यही है कि हम नेशनल इंटीग्रिटी, यूनिटी इसको भूल गए हैं। ब्रदरहुड, भाईचारा, आपसी भाईचारा, इसको हम भूल रहे हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इस चीज को ध्यान रखें एंड वी अबाइड बाय इट। Then it is to encourage the spirit of inquiry, यानी humanism और science के प्रति तुम्हारी जागरूकता और spirit of inquiry को encourage करना, उसको बढ़ावा देना। The next duty is to excel in all spheres of life, हर sphere में अपना best देना, ये next fundamental duty है। और एक फंडामेंटल ड्यूटी जो, हाँ, इसके अलावा एक बहुत बड़ी तुम्हारे पेरेंट्स टैक्स पे करते हैं ना, हम भी पे करते हैं, बराबर। अब यदि नेशनल प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो किसको तकलीफ होती है, टैक्स पेयर्स का दिल दुखता है। द मोमेंट यू डिसाइड दैट इंडिया इज माई कंट्री, यू वोंट थिंक ऑफ डिस्ट्रॉइंग द नेशनल प्रॉपर्टी। जिस समय से तुम ये सोच लोगे कि भारत मेरा देश है, उस समय से तुम मन में ये निर्णय कर लोगे कि इस देश के नेशनल प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान मुझे नहीं पहुंचाना है। मैं क्लास में भी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ये कॉलेज की तुम फी पे कर रहे हो तो ये कॉलेज भी तुम्हारा है, इट इज योर प्रॉपर्टी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो जब ये इतनी सी कॉलेज के लिए ये बात है तो पूरा देश तो ऑफकोर्स मेरा ही है, तुम्हारा ही है। ये फीलिंग जिस दिन तुम्हारे अंदर इनकलकेट हो जाएगी, उस दिन से तुम कभी भी इस देश की किसी भी प्रॉपर्टी को
नुकसान पहुंचाने की कोशिश, कोई करता भी होगा तो तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे, एंड दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी आल्सो। और जो मैं बता रही थी, लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट इन 2002। एक फंडामेंटल राइट दिया गया कि इट इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू गेट एजुकेटेड। एजुकेशन मिलना, पढ़ाई का अधिकार, पढ़ने का अधिकार। तो ये 2002 में ये फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट की गई आपके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये कहा गया कि हर पालक, हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के उम्र के बच्चे को वो पढ़ाएं। इसलिए एजुकेशन फ्री किया गया है, लेकिन माता पिता ने उन बच्चों को भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। ये नेक्स्ट नेशनल आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। सी, वी ऑल आर अवेयर अबाउट आवर राइट्स। हमें अपने अधिकारों के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन हमारी जब ड्यूटीज की बात आती है तब हम कन्नी काटने लगते हैं। तो एक बात याद रखना कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। बस चार पंक्तियां बोल के मैं अपने तुम्हारे लिए जो मैंने मंथन के लिए जो विषय दिया है उसको विराम देती हूँ। ऊंची है मशाल हमारी, कठिन आगे का डगर है। ऊंची है मशाल हमारी, कठिन आगे का डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण है मृत समाज, शोषित है मृत समाज। कमजोर हमारा घर है किंतु आ रही नहीं जिंदगी, किंतु आ रही नहीं जिंदगी। यह विश्वास अमर है, यह विश्वास अमर है।